मनाये कबार हरे बो मनाये कबार हरे बो हरे बो हरे बो मनाये कबार हरे बो हरे 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 बोलो भव सिंधु पार कर लो चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि हरि पिता हरि माता हरि गुरु ज्ञान दाता ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पवन मन एक बार हरि मन एक बार हरि बो मन एक बार हरि बो बोल वृंदावन हरिलाल की गीता माता की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुणत्रय विभाग योग और अल्टीमेटली देखा जाए तो गुणत्रयातीत विभाग योग गुणत्रय से अतीत हो जाता है। फिर क्यों गुणत्रित विभाग योग किया? क्योंकि फ्रॉम नोन टू अननोन जहां पर है हम वहीं से जाना है और हम कहां पर है ना गुण के अंतर्गत है गुण की वृणियों में है इसलिए गुणत्रय विभाग और गुण जाने तभी तो ऊपर उठेंगे उससे और जान करके ऊपर उठना है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था क्या पूछा था कई लिंग स्त्री गुणान अतीतो भवति प्रभो जो तीन गुण से अतीत हो गए तीन गुण से परे हो गए जो तीन गुणों को पार कर लिया उनका चिन्ह क्या है उनका लक्षण क्या है सेकंड उनका व्यवहार कैसे होता है कि वहां आचार थर्ड चैतन्य तीन गुण अतिवर्तते कथम वो जो तीन गुण से पार हुए ना कैसे पार साधना क्या उनका साधना उपाय क्या
अब 22 से लेकर के 26 तक ये तीन प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। फिर 27 में उस स्थिति के बारे में वर्णन करते, 26 में उस स्थिति का शुरू कर लेते हैं। 26 में उस भक्त के उस गुणातीत के लक्षण बताते हैं, किस प्रकार वो प्राप्त करता है बताते हैं, और 27 में उस स्थिति को कारण वर्णन करते हैं। सूत्र यह है, द्वितीय अध्याय में भी हम लोगों ने देखा है कि सर्वत्र शास्त्रेषु सर्वत्र देखा जाएगा। तो आप देखना सेकंड चैप्टर के भाष्य में भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भाष्य पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको वो पढ़ना चाहिए। कब स्थित प्रज्ञा से लक्षण के समय, सर्व 23 है, 65 पेज अलग हो सकता है, मगर 55 श्लोक के पहले जो भाष्य है, 55 श्लोक के पहले जो भाष्य है, मिला क्या? आप लोगों लोग का नहीं, भाष्य बोलो, आप लोग कहाँ भाष्य पकड़े हो? भाष्य एक ही आदमी पकड़े है, शायद तुम पकड़े हो क्या? तुम भी भाष्य पकड़े हो? तुम लोग भाष्य क्या है, टीका क्या है, समझते नहीं आते? ये लोग समझे कि सिर्फ भाष्य माने शंकराचार्य के जो मूल भाष्य है उसको भाष्य कहते हैं, बाकी तो सब एक्सप्लेनेशन है, टीका है। जैसे मैंने भी 1 साल कंटिन्यू प्रवचन दिया ना, मेरा भी एक गीता किताब निकल रही है, उड़िया भाषा है, उसको जो उड़िया जानने वाले हैं उसको हिंदी करेंगे तो हिंदी में आएगा, तो हमको ही करना पड़ेगा पहले। अभी उड़िया बनने बहुत बहुत बड़ी बनेगी, तो पहले बहुत प्रिपेयर करके अनेक ग्रंथों के सार में बताया। भाष्य माने शंकराचार्य, तो बाकी सब एक्सप्लेनेशन, गंगाधर तिलक, कुछ कुछ टीका है, मधुसूदन सरस्वती टीका है, श्रीधर टीका है, नारायण टीका है, उसको बोलते हैं टीका। बाकी जो है वो है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो गुरुदेव का जो है वो व्याख्या, लोकमान्य तिलक के व्याख्या, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के व्याख्या, रामानुजाचार्य के भाष्य, रामानुजाचार्य भाष्य देखा, ये शंकराचार्य के भाष्य 54 श्लोक जो प्रश्न है ना उसके भाष्य में बताते हैं। सर्वत्र एव ही मिला आपको, सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। इसका हिंदी देखो, अध्यात्म शास्त्र में सभी जगह, अध्यात्म शास्त्र में बता दिया, कहानी में नहीं, पुराणों में नहीं, पुराणों में भी हो सकता है, रामायण में भी हो सकता है, अध्यात्म शास्त्र हो पर कहानी में नहीं होगा। चंदा मामा कहानी, पंचतंत्र कहानी, वो कहानी में नहीं, अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र कहानी अगर है भी उपनिषद में, मगर आत्मा के बारे में जो शास्त्र बताते हैं, उस समय कृतार्थ पुरुष, पुरुष के लक्षण कहते हैं, नाम कहते हैं कृतार्थ पुरुष। कृतार्थ माने जिन्हें, कृत माने डन, BONE डन इंग्लिश में, जिन्होंने कर लिया है ना उसको कहते हैं कृतार्थ। ये और एक शब्द है, पंचदश, पंचदश अध्याय है, 15 चैप्टर लास्ट श्लोक, कृतकृत्यस्य भारत, कृतकृत्य जो करना था वो कर लिया,
What to be done? It is done by him. What to be done? He did it. इसलिए he did it एक किताब है ना गुरुदेव पहला वाला मनन सीरीज का he did it. So he did it माने कृतकृत्य से. हम लोग का क्या है? हम लोग समझ कभी कभी we are doing. कभी कभी we try to do. कभी कभी we plan to do. कभी कभी we wish to do. कभी कभी we want to do. इतना आ रहा है हमारे बारे में. We try to do, we want to do, we like to do, we wish to do, we plan to do. But उनके जीवन में did it. कृतकृत्य से उसका नाम ही कहते हैं कृतार्थ. अध्यात्म शास्त्र में सभी जगह सब शास्त्र में सब जगह जहां जहां क्या कृतार्थ पुरुष के लक्षण आएगा. जब टॉपिक आया ना कृतार्थ पुरुष के लक्षण आएगा हम लोगों के लिए साधन रूप से उपदेश दिया गया है दूसरों के लिए ब्रैकेट में हम लोगों के लिए क्या क्यों यत्न द्वारा साध्य होने के कारण वही लक्षण अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हम प्राप्त हो जाएगा. इसको सिंपल हमने बनाया छोटा सा बनाया किसी को याद है छोटा सा बनाया था. यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधना सिंपल है इसी से ही लिया है. क्या यानी यानी माने जो जो यानी यानी सिद्धस्य सिद्धस्य माने सिद्ध पुरुष के लक्षणानि मैंने बहुवचन बना दिया लक्षणानि लक्षण अनेक लक्षण आदि आएगा. यानी यानी जो जो सिद्ध पुरुष के लक्षण है वही वही तानी ताने में वही वही साधक से हम लोगों के लिए साधक के लिए क्या होगा साधन हम लोगों के लिए साधन. वहां पर भी बताया यत्न साध्यत्व क्योंकि उनके जो लक्षण है यत्न के द्वारा साध्य प्राप्त कर सकते हैं जितने उसके लक्षण आए. ठीक है ये इसको याद रख. जैसे रामायण में भगवान राम के बारे में वर्णन है कि गीता में उसके पहले भी वर्णन है षष्ठ अध्याय में 12 अध्याय में 13 अध्याय में भी द्वितीय अध्याय में भी जो उनके लक्षण है हमारे लिए साधन साधन मैंने हमें करना अमानित्तम अधम वित्तम अहिंसा शांति राज्यम ये सब लक्षण है हमारे अंदर होना चाहिए प्रैक्टिस करना चाहिए वैल्यूज. ठीक अब भगवान आंसर दे रहे इसी तत्व की याद रखना. यानि यानि सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधना है जो जो सिद्ध के लक्षण है वो हमारे लिए साधन है. क्यों यत्न साध्यत्व वो याद रखना यत्न साध्यत्व हमने प्रयत्न करने पर मिल जाएगा. आप सोचो जब पहले बार आप आध्यात्मिक प्रवचन किसी से सुना हो पहले वो बचपन का बात नहीं है कहीं गुरुद्वारा गए कथा हो रही कीर्तन हो रहा बैठे बोले जब एक बार पहले बार किसी एक प्रवचन एक घंटा सुना किसी का तो उसमें आपको बैठने में ही तकलीफ होता एक घंटा बैठना पड़ेगा है ना. फिर जब आदत बना दिया तो आपको पता नहीं चलता एक घंटा चलेगा. पहले बार जब कार चला हुआ ना तो बड़ा मुश्किल है ये एबीसी को पकड़ना पड़ता है एक्सेलेरेटर ब्रेक एंड क्लच जिसका नाम दिया है एबीसी. कैसे क्या करेंगे कैसे चलाएंगे क्या है समझ में नहीं आएगा मुझे ये पता था ढक कर फिर वो स्टार्ट बंद हो गया और जब एक बार परफेक्ट हो गए है ना ऐसे पहले बार कोई तीरंदाज छोड़ेगा पर उधर
पहले बार कोई क्रिकेट का बॉल देखेगा सब वाइड आएगा। कुछ देर के बाद प्रैक्टिस के बाद पहले वाइड आता था, अब दूसरे को आउट करे। इसको कहते हैं यत्न प्रयत्न अभ्यास अभ्यास। तो हमारे लिए क्या क्या गुण पढ़ना है, ठीक है। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव नद्वेष्टे संप्रवृत्ताने न निवृत्ताने कांक्षते। देखो कभी सात्विक गुण के कारण प्रकाश, पर सात्विक गुण के कारण ही प्रकाश आता है, मैंने बताया था आपको, अर्थात तेज ज्ञान हो जाता है। प्रकाश मैंने कभी यश मिल गया, कभी तेज मिल गया, कभी सिद्धि मिल गई। अभी मैं 15 अध्याय पढ़ा रहा हूँ भागवत के एकादश स्कंद के। अभी फोन आया मुझे क्लास के पहले, ब्रह्मचारी ने कालीन दिखे जो पंचकुला है, वो चाह रहे हैं ज्ञान लेने, अक्टूबर में मांग रहे थे। मैं अक्टूबर आई एम टाइट, नवंबर 15 तक टाइट, 16 उसके बाद दे सकते। तो फिर तय हुआ नवंबर 25 से 30। फिर पूछा कि आप क्या लेंगे, क्या पसंद करेंगे, तो मैंने कहा सनत सुजाती है, तुमने सुना है? हाँ वो अच्छा है, मैंने भी नहीं सुना, मेरे लिए फायदा होगा, मैंने याद किया था शायद। सनत सुजाती तो क्या होता है स्वामी जी, महाभारत में कथा आती है, धृतराष्ट्र एक दिन कहा कि बड़ा मैं जानता हूं मेरे अंदर मोह है, मैं जानता हूं मेरे अंदर पुत्र आसक्त है, फिर भी मैं उठ नहीं पा रहा। मैं सुनता हूं तुम बहुत नीति वाक्य कहते हो विदुर, जब कहते हो अच्छा लगता, जब तुम चले जाते हो फिर। और कहते हैं जब तक अध्यात्म विद्या प्राप्त नहीं हो, जब तक ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो, तो अज्ञान नष्ट नहीं होता है, मोह नष्ट नहीं होता है, तो मुझे ब्रह्म विद्या। तो विदुर ज्ञानी है, यमराज के अवतार है, धर्मराज के अवतार है, उनको सब पता है, मगर जानबूझ के उन्होंने नहीं बताया। कहा कि देखिए एक तो आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, दूसरा है मैं गुरुतुल्य नहीं हूं, मना करते। हम लोग थोड़ा सा कोई अक्षर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कोई शास्त्र पढ़ लेते हैं, गुरु बन जाते हैं। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, ब्रह्म विद्या के जो आचार्य वो सनत कुमार है, हम उनको बुलाते हैं, वो आपके लिए उपदेश देंगे। देखो इनके पास पावर है ना, तभी तो बुला सकते हैं। तो उन्होंने सनत कुमार को बुलाया, तो सनत ने जो प्रवचन दिया उसका नाम सनत सुजान है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। सनत सुजान वो हम प्रवचन देने वाले, पुष्पा मां के लिए बहुत बढ़िया होगा ऑफिशियली वो वहां चली जाएगी, स्वामी जी भी है, प्रवचन सुनने के लिए चले जाएंगे, एक दिन स्वामी जी बहुत बुला लेंगे। अपनी तरफ से मैंने बोल दिया, इतना प्यार है ना, और शैली हमें एक दिन जरूर आएगी, नहीं आएगी तो भी रहेगी, और अकेला नहीं आएगी, सबको बाकी सबको लेके आएंगे, ये तो भाई ये सब प्यार है, ठीक है। उसमें ज्ञान के बारे में बता, सनत कुमार देखो बोलने के बाद वो तो निकल गए, वो हमारे लिए ग्रंथ बन गया, और उसके ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। बहुत रेयर उपनिषद को छोड़ करके किसी के ऊपर भाष्य लिखते हैं शंकराचार्य, रेयर चीज ग्रंथ के ऊपर लिखा है सनत से जाके, मेरे पास है कभी कभी मैं भाष्य के लिए, प्रमादो वही मृत्यु हो, ये सनत कुमार ने कहा उसमें, प्रमाद ही मृत्यु, और धृतराष्ट्र का परिवर्तन नहीं हुआ। अभी उपनिषद गंगा में देख रहे थे वानप्रस्थ के प्रसंग में, बार बार भीम के ताड़ना प्रताड़ना के कारण धन वैराग्य हुआ,
और आया। और अभी हम महाभारत के जो ओरिजिनल है, आजकल कभी कभी आपको वायरल में देखोगे, एक बार बड़ा सुंदर है, ये सब देखने से ना इतना मजा आता है। जब आप वेदांत को जोड़ोगे ना बहुत बढ़िया, वेद व्यास कहते हैं माता प्रणाम, वो बहुत दुखी थी सत्यवती, और वो तो महाभारत के जो सीनरी जो टाइम ड्रामेटिक स्टाइल में किया गया है वो दूसरे तरफ है। बोली पुत्र अचानक तुम पुत्र होने का कर्तव्य निभाने के लिए आया हूं माता से, क्या आपके अपने कर्तव्य के याद दिलाने के लिए आया, आपको भी संन्यास वानप्रस्थ ग्रहण करना है। क्यों अभी तो हस्तिनापुर ठीक से नहीं हुआ है, भविष्य में जो होने वाला है वो आप नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं आपको इस दलदल से उठाना निकालना चाहता हूं, आप मेरे आश्रम में आ जाइए, वहां तपोवन में आकर के ध्यान कीजिएगा। फिर क्या जो भविष्य में है वो क्या होने वाला है, बड़ा सुंदर डायलॉग है, जो भविष्य होने वाला है वो वर्तमान में आप जानना क्यों चाहते हो, है ना? जो भविष्य में रहने वाला है उसको आप बर्तन में क्यों लाना चाहती हो, उसको भविष्य में देना, ये है बात। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े देश में होते हैं और बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे देश में, ठीक है, ये बात सुंदर है। अब कहते हैं प्रकाशन, ये जो सप्तगुण के जब ज्ञान प्रकाश होता है तो भी वो क्या होते हैं, वो खुश में नहीं रहे, उत्फुल्ल नहीं होते, द्वेष नहीं करते। अगर नहीं भी मिलता है तो भी द्वेष नहीं करते। प्रवृत्ति, देखो प्रकाश प्रवृत्ति मोह, ये तीन चीजें, प्रकाश सात्विक, प्रवृत्ति राजसिक और मोह तामसिक। ये राजसिक तामसिक के प्रकट होने पर भी कभी सत्व कभी रजस कभी तमस आया जीवन में, प्रकट होने पर भी द्वेष नहीं करते हैं और प्रवृत्ति भी नहीं करते हैं, प्रकाश और प्रवृत्ति मोह से निवृत्त करने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं करते हैं। नहीं नहीं ये आया जीवन में, मैं कुछ परिश्रम करूं प्रयत्न करूं, यत्न साधकता तो साधक के लिए, उनके लिए कुछ है नहीं। निस्त्री बने हम पति बेचारा था को विधि को निषेधा, उपनिषद में उनके लिए वाक्य है, कितना सुंदर है इसको याद रखें, निस्त्री बने पति को विधि को निषेधा, निस्त्री बने पति में जो विचरण करता है उनके लिए कोई विधि को निषेधा, कोई इच्छा नहीं। अर्जुन गुणातीत है, ऐसा है जो प्रकाश प्रवृत्ति मोह कुछ भी हो लगे इनमें तो द्वेष हो न, कभी हटने से करता न इच्छा, अगर कभी हट भी जाता है तो आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। अब हमारे लिए क्या साधना है इसी श्लोक से क्या सीखेंगे कि देखो प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, जीवन में आगतम स्वागतम कुरिया गच्छन्तम न निवारे, इसको याद रख। कोई चीजें आपके जीवन में आता है ना तो उसको ग्रहण कर लो, और कोई चला जा रहा है तो उसको पकड़ने के लिए कोशिश मत करो। इसी को ही अपने साधना के जीवन में हमें सीखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अच्छा जब हम साधना करेंगे थोड़ा और ध्यान करने के लिए समाधि करने के लिए तो हमारे अंदर अनेक विघ्न आएगा, उसको बोलते हैं समाधि विघ्न। अपरोक्षानुभूति में अन्य अन्य ग्रंथ में योग वशिष्ठ में विघ्न के बारे में वर्णन है। एक विघ्न है रसास्वाद। रसास्वाद क्या है, रसास्वाद है जिसमें आनंद रस की प्रवृत्ति
होता है, वो सात्विक बल है, उससे दूर। और एक है विक्षिप्त, रजस के कारण विक्षिप्त आता है, और एक है लय, तमस के कारण। मन के अंदर ना पांच अवस्था होती है, मनोविज्ञान में वर्णन है योग दर्शन। मूढ़ अवस्था, तमोगुण, क्षिप्त अवस्था रजसगुण, विक्षिप्त अवस्था रजसगुण, एकाग्र अवस्था सात्विक, निरुद्ध अवस्था पूर्ण सात्विक। पांच अवस्था हो गई, मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था। इन तीनों से परे और हमें साधना से क्या करना है, मूढ़ अवस्था से दूर जाना है, क्षिप्त और विक्षिप्त से दूर जाना है, और एकाग्र को प्राप्त करना है, और मन के निरुद्ध को प्राप्त करना है। ये बताए अब 23वें और लक्षण बता रहे गुणातीत। हाँ, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि आचरण कैसे होता है, व्यवहार करते कैसे जब संसार में रहते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है, तो व्यवहार बता रहे। ये बात ऑलरेडी उन्होंने बता चुके हैं, कहा द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञा लक्षण से कैसे व्यवहार करते, उसी में अलग आचरण बता रहे। 23 नंबर, उदासीन गुणेर्योनविचाल्यते। यह जो जो साधक 23 नंबर श्लोक में जो साधक उदासीन बत मतलब उदासीन के समान, तीन शब्द है। एक है पक्षपाती, पक्षपाती मतलब किसी पक्ष में चला जाना, किसी एक पक्ष में जाना, उसको बोलते हैं पक्षपात। राजनीति में बहुत चल रहा है, इस पक्ष में, उस पक्ष में, उस गुट में, उस गुट में। फिर वो एक शब्द है बागी, कौन बेदागी, कौन दागी, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं पक्षपात। कोर्ट में भी आप देखना पक्षपात, किसी पक्ष में, फिर एक साक्षी होता है, देख पक्षपाती है और एक है साक्षी रहता है। और कहीं गांव में झगड़ा जब हो जाता है ना, तो एक मध्यस्थ बनता है, शादी के मामले में भी एक बिचौलिया होता है, आजकल बड़े परसेंटेज भी होता है मध्यस्थ, वो दोनों से लेगा। बर पक्ष से भी लेगा और वधु पक्ष से भी लेगा, मध्यस्थ, झगड़ा होता है तो मध्यस्थ। एक होता है उदास, कुछ भी होता है कोई चिंता नहीं। पंचदशी में नाटक दीप प्रकरण में बता रहे, जैसे एक लाइट है स्टेज में, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे ना विजयनगरम के, विद्यारण्य स्वामी जी, उक्का और वक्का करके दो राजपुत्र थे, राजकुमार क्षत्रिय, उनको सिखाया, मुगल साम्राज्य से भाग के आ गए, उनको सिखाया, तब विजयनगर में प्रतिष्ठा करवाई विद्यारण्य स्वामी जी, प्रधानमंत्री भी बने और बाद में शंकराचार्य भी बने, ऐसे उनको सब पता है, इसलिए वो पेंटिंग, ड्रामा, तलवार उनके प्रवचन में बहुत आए श्लोक, जो जिसके एक्सपीरियंस है ना। कोई अगर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स वाला पॉलिटिशियन अगर साधु बनेगा, उसके प्रवचन में पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है,
कोई साइंस वाला साधु बनेगा तो साइंस के एग्जाम्पल आए। पूज्य गुरुदेव हमारे साइंस भी थे और पत्रकार थे, इसलिए उसी ढंग से वो बातें करते थे। इंग्लिश के प्रखर विद्वान थे, बढ़िया इंग्लिश बोलते थे। जो जिस संस्कार के वो वही बताए। हमारे विद्यार्थी जी कहते नाटक दीप प्रकरण में जो एक दीप चल रहा है उस रंगमंच में कॉमेडी भी होता है, ट्रेजेडी भी होता है, खून भी होता है, डांस भी होता है, और दीप को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाटक दुखी नहीं होता है, दीप ना दुखी नहीं होता है, दीप सुखी नहीं होता है। चंद्र किरण जब आता है ना, चंद्र किरण तब ज्वार फाटा होता है, तब जो ज्वार फाटा होता है चंद्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं। चंद्र अगर हम कंप्लेन देंगे, देखो चंद्र हाँ तुम्हारे कारण द्वार फटा हुआ और स्नान करते समय एक बच्चा गायब हो गया, गलती तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने जो स्नान, मैं अपने जो किरणें लगा उसमें समुद्र को जो प्रभाव पड़ा वो समुद्र के मेरे साथ। चंद्र कांत तो मणि है, चांदनी रात के कारण ना उसमें से पानी निकलता है, थोड़ा सा मेल्ट होता, तो बोलेगा मेरे से कोई कनेक्शन नहीं, उससे पानी निकलेगा तो पसीना निकलेगा। कुमुदिनी जो फूल है और चंद्र के ज्योत्सना से फूटता है, तो कहता आपके कारण फूटा, नहीं मुझे पता है, मेरे भाई को कुछ, चंद्र बोलता है मेरा भाई को कुछ, आपका भाई कौन है, सूर्य, मैं रात में आता हूँ कुमुदिनी में फूटता है, वो जब आता है तो पद्म फूटता है। हाँ भाई दोनों भाई का यही है, मगर हाँ मेरे भाई का तो और भी बहुत है, क्या प्रतिबिंब गंगा में पड़ता है, प्रतिबिंब गंदगी जगह में पड़ता है और वो अस्पृश्य है, ऐसे ही गुणातीत है, उदासीन। देखा चार शब्द देखा था ना, एक है पक्षपाती और एक है मध्यस्थ और एक है साक्षी। साक्षी को ज्यादातर हम कोर्ट में व्यवहार करते हैं कि हाँ वो मैंने देखा है ऐसे ऐसे, इसने उसको मारा है अदालत, और उदासीन क्या है वो भी नहीं, उससे और ऊपर फर्क ही नहीं पड़ा। है ना, ये है संत के लक्षण। हमारे लिए क्या करना है, उदासीन मत, उदासीन मत आसीन गुणी न विचार जाते, कोई भी गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं गुणाह वर्तन्ते, गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुणा गुण के ही काम होता है। यह अवतिष्ठति न इंगते, इंगत मने चंचल बना, उनके मन चंचल नहीं होता है, वो चेष्टा भी नहीं करते हैं, वो किसी प्रकार विक्षिप्त भी नहीं रहते। रहता है बन कर उदासी नहीं, विचलित नो जो गुण से कभी, भक्त रहे गुण जान लेता जो, जमे उसमें वो डगमगता न हो। अर्थात जो भी गुणों के काम होता है वो डगमगाते नहीं। अब आगे के लक्षण बता रहे हैं क्या है, उनके जीवन में व्यवहार में व्यवहार तो करना पड़ेगा, व्यवहार में जो द्वंद है वो द्वंद से परे होता है, अनेक प्रकार द्वंद आया आएगा। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, तुल्य निंदात्म संस्तुतेः, वो अपने अपने में स्वस्थ स्वस्मिन् स्थितः इति स्वस्थ शब्द स्वस्थ का बहुत ही डीप मीनिंग,
जो आत्म स्थिति में रहता है ना वो स्वस्थ है। मगर व्यवहार के दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ माने आर यू हेल्दी, आर यू ओके। तो उस आजकल संस्कृत निष्ठ भी हिंदी कोई बोलता नहीं, स्वस्थ हो आप ठीक हो। और ये आप ठीक हो जो ठीक नहीं हो कैसे बोला, हाँ ठीक है, ऐसे क्यों बोलते हो, क्योंकि ठीक नहीं हूं। उसके मुंह से ही पता चल जाता है, उसके बातों से ही पता चल जाता है वो ठीक है कि नहीं, कैसे हो, हाँ जी रही हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मर नहीं रहे हो ना, ये अर्थ में नहीं। स्वस्थ माने अपने स्थिति में जो रहता है, स्वस्मिन आत्मनि स्थितः यदि स्वस्थः, कितना सुंदर। और वो समदुःख समः, ये मन का धर्म है सुख दुख। तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, कोई पूछे तुम सुखी हो तो उत्तर आएगा कैसे लग रहा हूं, वो उत्तर बोलेगा अच्छे तो लग रहे हो, सुखी लग रहे हो, और पता नहीं अंदर की बात क्या है, नहीं अंदर भी सुखी है बाहर भी सुखी। वो जो ज्ञानी है अंदर भी सुखी बाहर भी सुखी। हमारे लिए साधन क्या है, बस ऐसे हमें ऐसे खुशी में रहना चाहिए अंदर। हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर का जो केला का छिलका है वो सुख है, फिर अंदर जो भूसाड़ो की सुबह आ जाएगा क्या, वाह वो जो आग है अंदर आग है और ऊपर से वो राख में भरा हुआ है, दिखाई नहीं देता। ऐसे नहीं होना, अंदर से बाहर से क्या करना चाहिए, यत्न साधो, क्या तो वो याद रखना, यत्न करना चाहिए अंदर से भी बाहर से। एक संत थे, वो अंदर से ए, बाहर से उनकी आदत है। अब अयोध्या में जाओगे, वृंदावन में जाओगे तो राम राम, अयोध्या में राम राम और वृंदावन में कृष्ण कृष्ण, वो लिखते हैं। और वो एक आजकल बने की मिलता है, ऐसे मिल जाता है, ऐसे ऐसे कर देने से राम राम ओम है ना, ऐसे मिल जाता है। या हमारा जो सिख धर्म का जो चिन्ह है ना वो मिल जाता है। अब ऐसे करके चारों तरफ होइए, खड़ग खड़ग खड़ग, तलवार तलवार तलवार, ठीक। तो ऐसे राम राम कराए, तो कुछ बच्चे लोगों ने देखा कि ये राम राम है, तो उन्होंने कहा कि बाहर सिर्फ राम राम ना अंदर भी राम राम है, तो उनके अंदर से कहा जाए अंदर भी राम राम है। अगर अंदर राम राम है तो हम परीक्षा करना चाहते हैं, तो क्या ना आप स्नान करोगे मगर ये राम राम मिटेगा नहीं, कबूल है? तो उन्होंने कहा कबूल है, क्यों ना राम को रखने वाला राम ही है, मैं क्यों चिंता करूं। पर को स्नान करने के लिए और बाहर आया तो जैसे तैसे राम राम, क्योंकि भगवान ने सोचा मेरे भक्त ने कह दिया अंदर भी राम है बाहर भी राम है, और ये बाहर का जो राम है वो राम ही रक्षा करते हैं, तो भगवान ने सोचा मुझे रक्षा करनी पड़ेगी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम प्रहलाद, प्रहलाद कहते हैं कि तुम्हारा ये भगवान कहाँ है, ना पिताश्री चारों तरफ इस खंभे में है ना, हाँ स्तंभे कथम तस्मात न दृश्यते, तब मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ना मुझे तो दिखाई दे रहा है ना तुझे दिखाई दे रहा है, ना हाँ। तब तो वो तोड़ दिया, उसमें श्लोक है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भृत्य माने सेवक भक्त, अपने भक्त के कथा को रक्षा करने के लिए भगवान आ गए। सत्यम विधातुम, विधातुम का रक्षा करने के लिए, और एक विधातुम ने ब्रह्मा, ब्रह्मा की भर को रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने बल दिया था कि तुम न दिन में न रात में न ऊपर न नीचे ऐसे पैदा हो गए, ना नर ना सिंह, वो ब्रह्मा की बातों को रक्षा करने के लिए भगवान आ गए। ये है ठीक है,
समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना, उनके जीवन में अश्म माने ढेला, ढेला समझ रहे हो? बचपन में कभी ढेला मारा किसी पत्थर के को? वो जो ढेला होता है मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का ढेला, पत्थर अलग है, फिर स्वर्ण सोना, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, समान है। तुल्य प्रिय प्रिय, प्रिय और अप्रिय उसमें समान है। तुल्य निंदा आत्मस्थिति, निंदा और स्तुति समान है। जरा निंदा और स्तुति ये जो द्वंद्व, ये सब द्वंद्व है। अभी निंदा स्तुति में फिर आएगा मान अपमान। निंदा स्तुति में क्या होता है, शब्द में किया जाता है, तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, इसको निंदा स्तुति। फिर 25 में मान अपमान आएगा, उसका डिफरेंस पता है, 25 पढ़ लेते हैं। माना अपमान यो तुल्य, तुल्यो मित्रारि पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागे। दोनों श्लोक में द्वंद्व के बारे में बताया, तो हमें भी साधना के दृष्टि से द्वंद्व को हम, यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, वी हैव टू चेंज अवर माइंड। Don't change the world, change yourself. गुरुदेव जब दीक्षा देते थे, मुझे याद है हमारे मेरे समय में या तो ब्रह्मचारी जो मेरे ऊपर वाले में, दोनों में था ना शायद, मैं हमारे समय मेरे समय उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, आई एम गिविंग इन येलो, यू आर चेंजिंग योर ड्रेस, अर्लियर यू आर इन व्हाइट, now you are in yellow, after some years you will get purple, so you are changing your dress, but now what you have got here, what you have gained the knowledge, spread, but spread in the attitude of as a sadhana, don't think that you are going to change the world. Tell me, did I change to you within 3 years? मैं तुमको 3 साल में चेंज कर पाया? तुम जैसे तैसे हो, अगर तुम चेंज हुए तुम अपने कारण चेंज हुए, इसलिए तुम जब जाते हो जगत को प्रचार करोगे चेंज करने के लिए नहीं, इट इज योर साधना, by your sadhana they will change, it is well and good. इसीलिए साधक के दृष्टि से हमें सोचना है हमें कैसे परिवर्तन करना अपने मन में, अलग अलग परिस्थिति द्वंद्व आता तो कैसे करना है। सिद्ध जो हो वो कैसे करते हैं, देखो पहले बताया था निंदा स्तुति, अभी बताए मान अपमान, ये सब द्वंद्व चल रहा है 24 और 25 दो अध्याय बनाए दो श्लोक, तो ये क्या रिपीटेशन नहीं है क्या? निंदा स्तुति शब्दात्मक है, किसी किसी को आप शब्द के माध्यम से ही निंदा स्तुति करो, मगर मान अपमान कार्य के माध्यम से, शरीर के माध्यम से क्रियात्मक, तो क्रियात्मक के दृष्टि से मान अपमान और शब्दात्मक दृष्टि से निंदा और स्तुति, अर्थात मित्र और पक्ष योग, शत्रु मित्र ये सब उनके अंदर में नहीं। अर्थात क्या जीवन में आप तैयार मत करिए मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फो है, मत समझना। साधक के दृष्टि से अपने आप को साधक बना रहा है। सर्वारंभ परित्याग, आरंभ माने कर्म, सब कर्मों को त्याग कर देता, अर्थात अपनी तरफ से कर्म का कोई इनिशिएशन नहीं लेता है,
होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक। अब इतना तर्क होने के बाद तीनों गुणों को किस प्रकार किस उपाय से अतिक्रमण करता है, तीन नंबर प्रश्न था। नंबर वन लक्षण, नंबर टू आचरण, नंबर थ्री उपाय। हमारे लिए तो उपाय यही है, गुण साधन करना है। उनका तो लक्षण बता दे, और अर्जुन का तो प्रश्न था उपाय कैसे। एग्जैक्ट यही स्टाइल में उद्धव को पूछ रहे भागवत। परंतु जो भगवान ने नहीं बताया वहां बताया। अब 18 सिद्धि, 8 मुख्य सिद्धि, अणिमा लघिमा, ये सब गीता में है नहीं, वहां है, क्योंकि वहां 25 अध्याय है और यहाँ कितना अध्याय, 18। उसमें से एक अध्याय तो इसी अर्जुन विषाद योग में चला गया, तो 17 अध्याय उपदेश, और कुछ कुछ अध्याय वो छोटा छोटा अध्याय, 12 अध्याय, 15 अध्याय, 20, फिर ये भी 27, उसके पहले भी 13 भी कम था तो, और वहां बहुत बड़ा बड़ा मात्रा डिटेल है। क्यों? भगवान कृष्ण को भी जल्दीबाजी है, इसको तैयार करो और करेगा क्या युद्ध। और भगवान कृष्ण उद्धव के लिए जल्दी नहीं, क्योंकि अभी 7 दिन बाकी है, मेरा प्रलय होगा द्वारका, हम भी चले जाएंगे, ये भी जाएगा, ये किधर जाएगा, बद्रीनाथ, उद्धव को बद्रीनाथ जाना और अर्जुन को युद्ध करना। मेरा इंटरेस्टिंग, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, वो बद्रीनाथ जाना चाहता था, और उद्धव बद्रीनाथ नहीं जाना चाहता था, वो भगवान के साथ रहना चाहता था, दोनों को मना किया। अर्थ क्या है, दो अधिकारी। अब एक यंग लड़का है, शादी जस्ट किया है, वो बोलेगा कि मैं चिन्ह मिशन में आऊंगा, नहीं अभी रहो वहां, तुम्हारा छोटे बच्चा है, ध्यान करो, उसको बड़ा हो बाद में आओ। और एक जो वानप्रस्थ है, अब इतना इतना रूम बनाया गया, आओ रहो, नहीं नहीं आएंगे, तो दोनों तरफ से नहीं है, इसलिए यहां कहते हैं अर्जुन को बोल रहे, देखो तुम अपने सुनो कि तुमने जो प्रश्न पूछा था, किस प्रकार कैसे उपाय में परमात्मा को पाओगे, अल्टीमेटली भक्ति, कुछ भी करो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, देखना बताया 26 माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणां समतीतेतां ब्रह्म भूयाय कल्पते यह च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। ऐसे भक्ति करते हम, श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सख्यम आत्म निवेदनम करते हैं, मगर व्यभिचारण कभी होता है कभी नहीं। अव्यभिचारिणी भगवान ने गीता में भी कहा, मयि च अनन्य योगेन भक्ति भक्ति अव्यभिचारिणी, 13 अध्याय के 10 नंबर श्लोक। ये 14 नंबर में क्या बताते हैं, माम च योग विचारेण भक्ति योग सेवन, शब्द का थोड़ा सा अदल बदल है, क्या मई च अनन्य योग है ना, वहां भक्ति, यहाँ भक्ति योग है ना, वहां अनन्य योग है, एवं भक्ति और व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी दोनों समान है, ये है। तो ऐसे जब करता है सौ गुणा अतीत, वही गुणों से पार करता है। गुणों से पार करने का उपाय क्या है, सिंपल भाषा में हाइलाइट्स में, भक्ति योग। और कैसा भक्ति योग, अव्यभिचारिणी भक्ति योग, एक बार जब वो प्राप्त कर लेते हैं बस उसी स्थिति में रहते हैं। एक जैन फकीर थे, जैन संत, उनका नाम है रिंचाई,
चाइना जापान आदि में रहते थे। जंगल है, आश्रम है, अभी भी सुंदर सुंदर आश्रम देखोगे ना अच्छा लगता रहे। कुछ कुछ रिजोर्ट है नदी के किनारे, फार्म हाउस जैसा, तो ऐसे ही वो जंगल में रहते थे, ढूंढ ढूंढ कर आते थे उनके पास शिष्य कोई सम्राट, ना उनका मंदिर ना कोई उपासना केंद्र कुछ नहीं। तो एक राजा आया, प्रणाम किया और कहा कि परमात्मा के बारे में बताए। ये मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। फिर आधा घंटा गया, सोचा कि डिस्टर्ब ना करो, बैठे सामने, परमात्मा के बारे में बताए। फिर मौन रहे। एक घंटा हो गया, राजा ने सोचा कि कितना रोहन, फिर कहा आपने तो परमात्मा के बारे में बताया नहीं। तो रिंझे बोल रहे, एक घंटा से तो यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे। क्या परमात्मा वो है? मौनम। परमात्मा वो है जो शब्द से परे है। परमात्मा वो है जिसको बोल नहीं सकते। परमात्मा वो है आत्मस्थिति में। तो ऐसे व्यक्ति जब साधन कर लेता है वो कैसे आत्मस्थिति में रहता है, लास्ट श्लोक में बता रहे हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैश्चैकान्तिकस्य च। वो जो ब्रह्म की स्थिति है वो लक्षण बता रहे, क्या अमृत है, अव्यय, शाश्वत धर्म, शाश्वत धर्म है। बाकी जो धर्म है वो आपद धर्म होता है, विशेष धर्म होता है, सामान्य धर्म होता है, वो नित्य धर्म है। धर्म माने क्या है? जिसके बिना पदार्थ नहीं रह सकता वो धर्म है, वो ही धर्म है। धर्मस्य सेतु हु, तो धर्म के सेतु है वो। और एकांतिकस्य सुखस्य, एकांतिक सुख मिलता है, बाकी जो सुख है नानात्व सुख है, विशेष सुख, और उसी ब्रह्म की प्रतिष्ठा में है। सो महिमनी प्रतिष्ठा, वो ही वास्तविक स्वरूप है। प्रतिष्ठा माने स्वरूप, अपने स्वरूप में वो रहता है। ऐसी स्थिति में जानो। ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाश्रम संपादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हर अध्याय के लिए पद्म पुराण में सुंदर सुंदर कहानी, 14 अध्याय की कहानी है। एक राजा थे सिंगल द्वीप के, सिंगल माने आजकल के श्रीलंका, सिंगल द्वीप में उसका नाम है विक्रम देखा। उन वो एक दिन शिकार करने के लिए गए, उनके पास एक कुतिया था, कुत्ता नहीं कुतिया, फीमेल कुत्ता, तो वो उनके पास थी। वो शिकार करते समय लेते थे क्या, खरगोश को देखा। जो खरगोश के देखा तो जो कुतिया है वो उतावला होने लगा उसको। राजा भी शिकार तो करने वाले हैं, उनको भी मजा आया, उन्होंने कहा छोड़। तो कुतिया भगाने लगी और खरगोश भागने लगा, और खरगोश तो छोटा है, भागते 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 एक गड्ढा है और उसमें गिर गया। जब वो गिर गया तब एक मिट्टी गिली थी, उस गिली मिट्टी में वो गिरने के कारण उसके शरीर में लग गया मिट्टी और वो तुरंत मर गया। और देवता शरीर बनकर विमान में चला गया। उसकी वजह से जो कुतियां हैं वो भी उधर गिर गई, उसके साथ जो पानी के छींटे हैं, गीले पानी है, वो भी
गिरने के कारण वो भी मर गया, मर गए और वो भी चले। एक शिष्य जिसने अपने पैर धोया था, मिट्टी गिली थी, उस थोड़े समय में जा रहे थे पीछे मुड़ा, ये हालत है, दोनों गिरे और देवता हो गए। इधर क्या हुआ, वो जो राजा है वो छोड़ा तो था, वो पीछे पीछे अपने घोड़े पे आ रहे थे, कुतिया कहाँ गई, और ये तुरंत दृश्य देखा, खरगोश मरा ऊपर गए, कुतिया मरी ऊपर गए, और ये जो शिष्य है वो पीछे मुड़ा, कमंडल हाथ में है और थोड़ा सा हंसने लगे। तो ये आए ब्रह्मचर्य को हरि नमस्कार प्रणाम किया राजा, और कहा कि आप बता सकते ये जो कुतिया वो मेरी, और खरगोश भी मर गया कुतिया भी मर गई और आप हंसने लगे इन लोगों के बारे में। हाँ हाँ, हमारे गुरु नाम है वत्स और मेरा नाम है शोकंधर है। हमारे आश्रम में जितने शिष्य रहते हैं, गुरु और हम केवल एक ही 14 अध्याय का अध्ययन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, 14 अध्याय का पाठ करते हैं। 14 अध्याय के पाठ के महात्म्य के कारण हमें पता चल गया कि ये गुण क्या है। ये जो कुतिया है ना, ये 14 अध्याय का प्रभाव, क्योंकि मेरे जो शरीर से गीला पानी हुआ उससे स्पर्श से निकले, वो मेरे गीला पानी के कारण नहीं, वो 14 अध्याय का अध्ययन कर चैंटिंग करने के कारण ये, और ये जो आश्रम में केवल यही अध्याय चल रहा। मैं अच्छा, आप हंसने क्यों लगे? हंसने इसीलिए, ये जो कुतिया थी ना, हाँ, ये एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसका नाम है विलोभना, और जो खरगोश था ना उसका एक ब्राह्मण था, उसका नाम है केशव। ये लोग महाराष्ट्र में प्रत्युदर नामक एक नगर में दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में आए थे, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मणी है थोड़ा स्वच्छंद स्वभाव की थी, तो गुस्से में ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण को मार दिया। और ब्राह्मण क्योंकि अपनी पत्नी को मारा, और परधन ब्राह्मण का काम तो करता नहीं था, केवल चोरी करता था, ब्राह्मण के रूप में धन इकट्ठा करता था, उसको रोग हुआ, और रोग होने के कारण वो मर गया। वही ब्राह्मण ही खरगोश बना और वही ब्राह्मण ही कुतिया बना, क्योंकि ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को मारा था पूर्व जन्म के याद करके, अभी कुतिया क्या कर रही है, खरगोश के पीछे मरा था। मगर 14 अध्याय के प्रभाव से इन दोनों के अंदर ना बहिर्भाव ना पूर्व का पाप सब नष्ट हो गया, दोनों ही दिव्य पुरुष बन गए। क्या कथा है, अर्थ क्या है, गीता के महात्म्य से। कौन कह रहे हैं? शिव जी पार्वती कह रहे, उसका कौन रिलेट कर रहे हैं, भगवान विष्णु खुद लक्ष्मी को कह रहे। ये है परम पुराण की कथा, एग्जैक्ट टाइम हो गया अभी, और हम लोग कल बाल विहार कैंप है 9 बजे से 12 बजे तक। मेरा जो टॉक रहेगा मैं यूट्यूब में दूंगा, तो आप लोग सुन भी सकते हो, तो जो ऑनलाइन में है अभी डायरेक्ट नहीं है, मैं दूंगा क्योंकि अभी लिंक देना पड़ेगा, ये सब मैं प्रवचन रिकॉर्ड कर दूंगा। वाई आई शुड बी गुड, मेरा टॉपिक, मैं क्यों अच्छा बनू, क्या जरूरत है, बच्चे बोल, पिताजी बोलते हैं अच्छा बनो, माँ बोलते हैं अच्छा बनो, वो बोलते हैं अच्छा बनो, क्यों मैं अच्छा बनू, उसका मेरा 40 मिनट का टॉक रहेगा, फिर कुछ 10 मिनट मेडिटेशन सिखाएंगे। तो आप लोगों को मेरा प्रवचन के बाद आपको यूट्यूब में पोस्ट हो जाएगा, आप सुन सकते हैं। ये हो गया कार्यक्रम कल के। देन अगस्त 3 है 5 बजे से 6:15 बजे तक गुरुदेव के आराधना दिवस, चिन्ह में आराधना दिवस कहते हैं, तो गुरुदेव के समाधि दिवस से पादुका पूजा होगी, और उसके बाद आप लोग एक दो लोग कोई बोलना चाहोगे तो बोलोगे, फिर मैं
बोलूंगा, भजन कीर्तन एक दो भजन रहेगा, फिर प्रसाद आदि हम लोग का। देन चार से लेकर के आठ तक उपदेश सार, 30 श्लोक है, 5 दिन है, 6-6 श्लोक लेंगे। कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग और ज्ञान योग, बड़ा सुंदर उपदेश सार है। चैंटिंग की शैली भी बहुत अच्छी। फिर 9 तारीख से 14 तारीख तक गीता 15 चैप्टर धड़ाधड़ क्लास ही क्लास है, तो उसका जो यजमान है डॉक्टर शैली है और गीता है उपदेश। फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा, अगस्त 15 में फ्लाग हॉस्टिंग 15 तारीख है, फिर अगस्त 29 में है, ऐसे करते। ठीक है, अभी हम लोग आरती करेंगे। ओम पूर्ण मदा भवति।